ये बेल माल खुले एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये बंद कर दिया तो मतलब नॉर्मल रीसेट हो गया। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फायर स्प्रिंकलर फ्लो स्विच का। फायर स्प्रिंकलर स्विच को खोलेंगे और आपको बताएंगे कैसे टाइम सेट करते हैं, फायर स्प्रिंकलर स्विच कैसे काम करता है, उसका क्या क्या फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो कैसे ठीक करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बार फायर स्प्रिंकलर फ्लो स्विच से बहुत सारा फॉल्स अलार्म आता है, तो उसको कैसे ठीक करते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों क्या होता है, फायर स्प्रिंकलर फ्लो स्विच किस लिए लगा होता है, ताकि सिग्नल जो है कोई भी स्प्रिंकलर है उस जोन का, प्रत्येक जोन में फायर स्प्रिंकलर फ्लो स्विच लगे होते हैं, तो उस जोन में कोई भी स्प्रिंकलर टूट जाए इसका मतलब कोई इमरजेंसी हुई है, कोई आग लगी है तभी वो स्प्रिंकलर टूट गया, अदरवाइज बाई मिस्टेक स्प्रिंकलर टूट गया या फिर कोई पाइपलाइन के अंदर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए स्प्रिंकलर लाइन में उस जोन में पानी की रिक्वायरमेंट है। वो पानी क्या होता है, लगातार इस पाइपलाइन से आगे की तरफ बढ़ेगा, जिसको पानी के सप्लाई के लिए पंप लगा होता है, आपको पता ही है स्प्रिंकलर पंप होता है, वो ऑटोमेटिक चलेगा और पानी के सप्लाई को बराबर देगा, कंटिन्यू देगा, उस कंटिन्यू को सप्लाई को ये स्प्रिंकलर फ्लो स्विच को महसूस करेगा और फायर अलार्म सिग्नल को संदेश भेजेगा कि इस जोन का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो हो गया है, जिससे कि कंट्रोल रूम में बैठा हुआ फायरमैन तुरंत इस लोकेशन पर आएगा और चेक करेगा क्या वजह है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे काम करता है, ये जो होता है, इस समय हम इस बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पर खड़े हैं और इस बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग के प्रत्येक फ्लोर पर राइजर मेन गया होता है, बेसमेंट से पंप रूम से राइजर होता है, स्प्रिंकलर राइजर टेरिस तक गया होता है और प्रत्येक फ्लोर पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन होता है जो अलग अलग जोन के लिए गया होता है, प्रत्येक जोन के लिए जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन गया होता है प्रत्येक फ्लोर के लिए, वहाँ पे कंट्रोल वाल्व सिस्टम दिया होता है, स्प्रिंकलर कंट्रोल वाल्व सिस्टम, वाल्व असेंबली देख रहे हैं। वाल्व असेंबली में क्या होता है, एक तो मेन कंट्रोल वाल्व लगा होता है जो इस मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का जो भी स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो गया, टूट गया, तो यहीं से कंट्रोल किया जा सके, यहीं से ड्रेन किया जा सके, यहाँ से बंद किया जा सके, यहीं से प्रेशर को चेक करने के लिए प्रेशर गेज भी दिया गया होता है और रेड कलर का जो आप देख रहे हो जिस पे कैप सा लगा है वो स्प्रिंकलर फ्लो स्विच है। उसका काम क्या है दोस्तों, कोई भी स्प्रिंकलर टूट गया तो वहाँ से पानी को गुजरेगा, वो क्या करेगा, उस स्प्रिंकलर को फ्लो को नाप कर महसूस कर फायर अलार्म सिस्टम को सिग्नल भेजेगा। दोस्तों इसमें एक टाइमर लगा होता है जो टाइमर को 20 से 40 सेकंड पे सेट किया जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, फ्लो सेकंड अगर वो जीरो पर रहेगा तो जीरो सेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इस जो पाइपलाइन के अंदर वाटर जो होता है स्थिर रहता है, रुका हुआ पानी रहता है, लेकिन जब प्रेशर क्या होता है डाउन होता है, जो कि पंप ऑटोमेटिक चलता है या फिर कोई भी पंप ऑटोमेटिक चलता है, मान लीजिए हम इसको सेट कर दिए हैं 7 kg/cm² पर, पंप चला ऑटोमेटिक, 3 kg इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो उस दौरान पानी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे पंप चल रहा है तो पानी की सप्लाई कुछ सेकेंड के लिए हलचल होगा इस पानी के अंदर, पाइपलाइन के अंदर थोड़ी देर के लिए पानी आगे की तरफ जाएगा, तो जीरो सेकेंड पे अगर ये सेट रहेगा तो उस दौरान भी पानी के फ्लो को नापेगा और फॉल्स जो होता है सिग्नल भेजेगा, मतलब आग नहीं लगी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस पंप चला उस कारण इस पाइपलाइन के अंदर कुछ सेकेंड के लिए, 1 या 2 सेकेंड के लिए फ्लो हुआ है कुछ देर के लिए, बस उसी में फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जो कि एक समस्या है, जो कि बार बार फायर अलार्म बजेगा तो उसको वो एक समस्या है, तो उस समस्या से निपटने के लिए इसमें एक टाइमर दिया होता है कि दोस्तों 30 सेकंड 40 सेकंड तक लगातार अगर पानी बना होता है तो इसका मतलब वो समस्या बड़ा है, कोई स्प्रिंकलर टूट गया है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया है, तभी वो फायर अलार्म सिग्नल दे रहा है, तो फायर अलार्म सिग्नल कंट्रोल पैनल पर जाएगा, फायरमैन जो कंट्रोल पैनल में बैठा हुआ है तुरंत लोकेशन पर आएगा और सिचुएशन को हैंडल करेगा। तो दोस्तों हम आज इसको खोलेंगे
और खोल कर बताएंगे कि टाइमर को कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे ये फ्लो स्विच काम करता है और क्या क्या इसमें सिस्टम है। चलो दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों ये जो है फ्लो स्विच है, स्प्रिंकलर फ्लो स्विच। अब इसको खोलते कैसे दोस्तों, इसके लिए एक एलेक की है और इसके अंदर ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये वायर इस फ्लो स्विच से कनेक्ट होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, जब भी इस पाइप लाइन के अंदर पानी आगे की तरफ जाएगा, ये फ्लो स्विच के अंदर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा दूर से दिखाना, ये नट बोल्ट लगा है, इसके अंदर एक होल होता है, उस होल के अंदर इस फ्लो स्विच से एक पंखड़ी, प्लास्टिक का एक पंखड़ी गया होता है अंदर, पानी इधर से आगे की तरफ बढ़ेगा तो पंखड़ी मुड़ जाता है, पानी की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से आगे की तरफ पंखड़ी मुड़ेगा। इसके अंदर एक स्विच लगा होता है, उस स्विच को क्या करेगा, वो पंखड़ी की वजह से स्विच एनो में एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो उसको इस पानी के झटके को महसूस करेगा वो स्विच, और स्विच क्या करेगा, इस वायर के थ्रू सिग्नल फायर अलार्म सिस्टम को भेजेगा। तो स्विच को कैसे सेट करते हैं हम आपको खोल के दिखाते हैं। ये एलंकी लगा होता है, ये ऊपर देखोगे एक नट लगा होता है यहाँ पे, उसको हम इस एलंकी के मदद से खोलेंगे। दोस्तों एलंकी ये इस टाइप का होता है जिसके अंदर एक होल होता है, एलंकी आपको नॉर्मल वाला एलंकी से नहीं खुलेगा। एक मिनट पुश कर दो, कर दिए। अब ये एलंकी जो है दोस्तों ऐसे खोलते हैं, चेक करेंगे इधर का खुल गया, दूसरी साइड में भी खोलेंगे, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ये दोस्तों एलंकी जो है ऐसे हम इसको खोल दिए, ऐसे खोलने के बाद कैस असेंबली को, इस जो फ्लो स्विच के कैप को खोलेंगे, आराम से खोलेंगे, ध्यान रहे, खोलेंगे तो कुछ ऐसा ये फ्लो स्विच दिखता है दोस्तों। फ्लो स्विच दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्लियर वीडियो में दिख रहा है। इसमें देख रहे हैं दो वायर कनेक्ट है, ये वायर को हम मल्टीमीटर द्वारा चेक करेंगे दोस्तों। हम इसको शॉर्ट किए, आवाज आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक, अभी देखो दोस्तों एक बार हम हाथ से करके आएंगे, ये जो है हम मल्टीमीटर द्वारा चेक कर रहे हैं, अभी अलार्म नहीं बज रहा है। जैसे हम इसको हाथ से स्विच को ऑन करेंगे, देखो अलार्म बजने लगा अलार्म। यही होता क्या है, जैसे ही कोई स्प्रिंकलर टूटता है, आप ध्यान देना इस लीवर को दिखाओ, जैसे ही कोई स्प्रिंकलर टूटा तो हम ड्रेन वाल्व खोल रहे हैं, ये ड्रेन वाल्व है, ये समझ लीजिए स्प्रिंकलर टूटता है तो पानी ड्रेन होता है, उसी प्रकार हम मैनुअल ड्रेन कर रहे हैं। आप इधर दिखाओ, जिस हमने ये पानी खोल दिया, ये पानी जाने लगा, ये देखो ऑन हो गया, ठीक है रुको, अब ये दोस्तों क्या होता है, हम मल्टीमीटर लगा के चेक कर रहे हैं, अभी क्या है ये अलार्म नहीं बज रहा है, मतलब ये मल्टीमीटर पे जीरो दिखा रहा है। ये जो है टाइमर है, इस टाइमर पे देखो यहाँ पे लिखा होता है सीरीज में कि 1 सेकेंड से लेकर, इसमें दिया है ऑप्शन 70 सेकेंड तक, मतलब 1 से लेकर 70 सेकेंड तक इसको सेट कर रखे हैं। तो हमने क्या किया है कि जीरो पर भी सेट किए हैं, इसको हमने जीरो पर सेट कर दिए, जीरो पर सेट करके ड्रेन वाल्व खोलते हैं। अब देख रहा दोस्तों इधर दिखाओ, ये ड्रेन वाल्व खोले, एक्टिवेट हो गया। अब ये बंद कर दिया तो मतलब नॉर्मल रीसेट हो गया। तो अब ये मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ 0 सेकंड पे,
अभी दोस्तों मल्टीमीटर हम लगा के चेक कर रहे हैं, कनेक्शन हमने निकाल दिया है ताकि फायर अलार्म बजेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कनेक्शन हमने फायर अलार्म सिस्टम का निकाल दिया है। मल्टीमीटर से हम चेक करके दिखा रहे हैं आपको कि अभी हम 0 सेकेंड पे सेट कर रखे हैं। उस दौरान क्या होता है कि 1 सेकेंड के लिए तो कोई भी पानी कुछ देर के लिए फ्लो हो सकता है, इनके साथ पंप कोई चला गया तो उस दौरान फॉल्स अलार्म आएगा। तो देखो 0 सेकेंड में हम सेट करके दिखा रहे हैं, जैसे ये पानी इसके अंदर फ्लो किया, मतलब ये ड्रेन वाल्व खोल कर हम दिखा रहे हैं, देखो एक्टिवेट हो गया। आप ये मल्टीमीटर पर चेक कर सकते हैं, एक्टिवेट हो गया, आवाज़ आ रही है। हम इसको बंद कर दिए तो अपने आप ये रिसेट हो गया। अब आप यहाँ नीचे रोलर पे देखिए, इसे स्प्रिंग रोलर दिखाओ, नीचे दिख रहा है ये जो स्प्रिंग है, ठीक है। हम इसको खोले, देखो हलचल होता है इसके अंदर, वाल्व खोलते ही देखो एक्टिवेट हो गया, स्विच बंद करते हैं ये रिसेट हो गया। तो दोस्तों ये 0 सेकेंड पे सेट है। अब हम इसको दोस्तों करते हैं पीछे से, ये देखो ये जो है सेट करने वाला है, हम इसको घुमाएंगे, क्या करेंगे घुमाएंगे हम इसको, क्या करेंगे हम चाहते हैं कि तुरंत अलार्म ना बजे, क्योंकि फॉल्स अलार्म आता है जब इसके अंदर कोई भी हलचल वगैरह होता है पानी का, तो स्प्रिंकलर टूटेगा तो उसमें 20-30 सेकेंड कंटिन्यू पानी का फ्लो होता है, तो हम उसको 20 या 30 सेकेंड पर सेट कर देते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको 10 सेकेंड पर हम सेट करके दिखा रहे हैं। अभी हमने क्या किया, ऐसे लगभग 10 सेकेंड पर हमने सेट कर दिया। अब देखो दोस्तों 10 सेकेंड में बजेगा ये, हमने यहाँ पे लगाया मल्टीमीटर और हम पानी को खोल रहे हैं, मतलब स्प्रिंकलर मान लीजिए टूट गया आगे। अब देखो एक्टिवेट हो गया, 10 सेकेंड होते ही एक्टिवेट हो गया, अलार्म बजने लगा। दोस्तों ये हमने 10 सेकेंड का सेट कर दिया, बज रहा है, अब अपने आप रिसेट हो गया। जैसे हमने बंद कर दिया, पानी को रोक दिया, अपने आप ये रिसेट हो गया, इसके अंदर स्प्रिंकलर था उसको वापस अपनी जगह पे खींच दिया। तो ये दोस्तों स्प्रिंकलर फ्लो स्विच को कैसे सेट करें, उसके लिए ये टाइमर दिया होता है, टाइमर में टाइम लिखा होता है, इसको हम सेट कर दिए ताकि फॉल्स अलार्म ना आए। दोस्तों ऐसे ही जैसे 10 सेकेंड है, हम इसको 30 सेकेंड पे सेट कर देंगे। तो हमने इसको क्या किया, इसे घुमाया, इसको देख रहे हैं, हमने इसको घुमाया और 30 सेकेंड पर हमने इसको सेट कर दिया। अब क्या होगा, स्प्रिंकलर टूटेगा तो 30 सेकेंड तक लगातार इसके अंदर, 30 सेकेंड बहुत मामूली समय होता है, लगातार इसके अंदर पानी का जो फ्लो होता है उस दौरान क्या होता है कि हलचल वगैरह फॉल्स अलार्म आने की चांस कम हो जाती है। जब एक्चुअल कोई एक्सीडेंट होगा तो इसके अंदर लगातार पानी का फ्लो होगा, उस दौरान ये फायर अलार्म को सिग्नल भेजेगा दोस्तों। तो एक बार और हम चेक कर लेते हैं, एक्टिवेट हो गया, अलार्म बजने लगा था, ठीक है दोस्तों। ये अपने आप रिसेट हो गया, जैसे हमने इसको वाल्व को बंद कर दिया, मतलब पानी को हमने रोक दिया। दोस्तों ये फ्लो स्विच है, फ्लो स्विच अंदर से ऐसा होता है, इसके अंदर स्विच लगा होता है, ये टाइमर है, ये स्विच क्या होता है, स्विच को टाइम के हिसाब से हम इसको सेट करने के लिए आपस में सिंक्रोनाइज है ये। और इसके अंदर जो लीवर लगा हुआ है दोस्तों, जो स्विच को ऑन ऑफ करता है, जैसे हम कोई लाइट होता है, बल्ब होता है, हम उसको अपने हाथों से ऑन ऑफ करते हैं, वैसे इसके अंदर एक प्लास्टिक का ब्लेड होता है जो पाइपलाइन के अंदर पानी के अंदर होता है और इस शाफ्ट के सहारे इस स्विच से जुड़ा होता है। जैसे ही पानी का फ्लो होता है तो जो प्लास्टिक का जो ब्लेड है वो टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा होने की वजह से इस स्विच के ऊपर दबाव आएगा,
और वो इस स्विच को ऑन कर देगा। तो इसमें मैकेनिकल जुगाड़ लगा है ताकि अंदर से कोई पानी वगैरह लीकेज ना हो, कोई बाहर ना आए, उतने प्रेशर को रोक के रखे, इसलिए ये मैकेनिकल जुगाड़ है, व्यवस्था है इसमें। और ये जो देख रहे हैं, ये जो है क्लैंप है, इसके अंदर एक इस पाइपलाइन के अंदर एक होल करके एक बेस बनाया जाता है। बेस के अंदर ये ब्लेड को, प्लास्टिक का ब्लेड होता है, वो पूरे अंदर इनसाइड पाइप को कवर करता है, वो इसके अंदर डाला जाता है। वो बहुत मामूली सा होता है, इस पानी को नहीं रोकेगा, पानी का प्रेशर में वो बस पानी को रोकेगा नहीं, बल्कि उस पानी के हिसाब से बहेगा, वो उस हिसाब से उसकी डिज़ाइन होती है। और ये क्लैंप जो होता है, क्लैंप से इस स्विच को इस पाइपलाइन के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं, और इस स्विच से इसको कनेक्शन कर देते हैं फायर अलार्म सिस्टम को। और टाइमर होता है उसको टाइम को सेट करने के लिए। अगर दोस्तों आपके यहाँ भी अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बार बार फायर अलार्म बजती है प्रोसेस से, तो इस टाइम को सेट करके आप अपनी सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, फॉल्स अलार्म से बच सकते हैं। आशा करता हूँ इस फ्लो स्विच के बारे में आपको जानकारी थोड़ा बहुत दे पाया हूँ मैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बनाना दोस्तों कि ये फ्लो स्विच का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।